स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफिब्रिलेटर मशीन के बारे में, जिसे शॉक देने वाली मशीन भी कहा जाता है। तो ये मशीन क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें वीडियो में हम जानेंगे। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। ऐसा मशीन है जो हॉस्पिटल को छोड़ के भी काफी सारी जगहों पे अवेलेबल होता है, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बड़े अच्छे मॉल में भी ये मशीन होता है, क्योंकि ये मशीन कार्डियक अरेस्ट के टाइम में यूज होता है। अभी यहाँ पे आपको नहीं पता है कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, वो पूरा एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, ब्लड पंप नहीं करता है। अगर उस टाइम पे शॉक दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो हार्ट एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है वो ना करे। तो यहाँ पे डिफिब्रिलेटर का मेन फंक्शन है शॉक डिलीवर करना। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो शॉक तो हम डायरेक्ट लाइन से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसका कोई आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन डिफिब्रिलेटर मशीन में आप पावर का कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि एडल्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, पीडियाट्रिक की अलग होती है, उसी हिसाब से पावर का सेटिंग करना पड़ता है। तो बेसिकली ये मशीन शॉक डिलीवर करने के लिए बना हुआ है, जिसमें आप पावर सेट कर सकते हो कि मुझे 50 जूल का शॉक देना है, 100 जूल का, 150 जूल का। तो इस तरह से आप पावर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि शॉक डिलीवर कैसे होता है और कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए ही रिकॉर्ड किया हुआ है। ये एक डिफिब्रिलेटर है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, वहां पे एक प्लस और माइनस का बटन है। प्लस से आप एनर्जी बढ़ा सकते हो, माइनस से आप कम कर सकते हो। उसके बाद वहां पे एक येलो कलर का बटन है जिसका नाम है चार्ज बटन। उसके बाद उसको प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करोगे, उसके बाद वो जो होता है अपने आप को चार्ज करता है। उसके अंदर तकरीबन 10 सेकंड का टाइम लगता है। जब वो चार्ज हो जाता है तो एक मैसेज इंडिकेशन देता है, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद आपको बटन प्रेस करके शॉक डिलीवर करना होता है। पैडल्स के ऊपर दो बटन लगे हुए थे, वो दोनों बटन को साथ में प्रेस करना होता है। जैसे ही साथ में प्रेस हो गया, वो शॉक डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, ये जो दो पेडल्स थे वो ट्रे में ही लगे हुए थे, मतलब डिफिब्रिलेटर के अंदर ही थे, इसीलिए उसने अंदर ही शॉक डिलीवर कर लिया। लेकिन अगर वही पेडल्स पेशेंट पे होते तो वो जो 200 जूल का शॉक डिलीवर हुआ वो पेशेंट को हुआ होता। तो दोस्तों, ये जो शॉक डिलीवर करने की प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको एनर्जी का सेटिंग करना है, चार्ज करना है, 10 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद ये दो बटन साथ में प्रेस करना है। अब दोस्तों, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या मॉल में आपको ऐसा मशीन नहीं दिखेगा। वहां पे होगा AED, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब यहां पे जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी साइज बहुत ही छोटी हो जाएगी। जैसे ही उसमें आप केबल कनेक्ट करोगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, नाउ कनेक्ट द पेड्स केबल, लाइक आप पेशेंट को केबल्स लगाइए। जैसे ही आप उसे लगाओगे, वो बताएगा प्रेस द चार्ज बटन। जैसे चार्ज बटन आप प्रेस करोगे, आपको एक और इंडिकेशन देगा कि अब आप थोड़ी जगह बना लीजिए, अब शॉक देना है। तो ये सारे इंडिकेशन AED में मिलते हैं। तो मोस्टली मॉल्स में, एयरपोर्ट में या फिर ऐसी भीड़ वाली जगहों में AED होता है। इतना बड़ा मशीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन है तो वो डिफिब्रिलेटर ही, उसका काम तो शॉक देना ही है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि डिफिब्रिलेटर क्या है, वो कैसे काम करता है, डिफिब्रिलेटर की मदद से आप कैसे शॉक डिलीवर कर सकते हो। दोस्तों, ये जो मशीन है वो बहुत ही काम का है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा डिजीज है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं है, वो कहीं भी किसी भी पेशेंट को हो सकता है। तो पॉइंट केयर ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत ही काम का मशीन है, इसीलिए काफी सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सारी चीज हो गई डिफिब्रिलेटर के बारे में। आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके डिफिब्रिलेटर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे डिफिब्रिलेटर को रखा जाता है। दोस्तों, अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ, ना जाने किसको ये वीडियो काम आ जाए। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही दबाइए एक बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। जल्दी से ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।